रिश्मा रमेशन को धनबाद का नया ग्रामीण एसपी बनाया गया है, जिसके बाद आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान धनबाद पुलिस मेंस एसोसिएशन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। बताते चले कि धनबाद में ग्रामीण एसपी का पद सृजन होने के बाद सर्वप्रथम एसपी जनार्दन ग्रामीण एसपी बने, इसके उपरांत अमित रेणु को बनाया गया। अमित रेणु का अन्यत्र तबादला होने के उपरांत एक अन्य अधिकारी को ग्रामीण एसपी का पदभार दिया गया। 1.5 साल से ग्रामीण एसपी के पद धनबाद में रिक्त था। रिश्मा रमेशन केरल कैडर की 2017 बैच की आईपीएस रही है। उन्होंने झारखंड कैडर लेने के लिए आवेदन किया था, इसके बाद रिश्मा रमेशन को झारखंड कैडर आवंटित किया गया। रिश्मा की शादी झारखंड कैडर के 2016 बैच के आईपीएस अंजनी अंजन से हुई थी। रिश्मा ने शादी को आधार बताते हुए झारखंड कैडर में आने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से पत्राचार किया था। इसके बाद उनकी सेवा झारखंड कैडर को सौंप दी गई। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी अवैध कोयला कारोबारियों पर नकेल कसने की। सर्वप्रथम लोगों के साथ बैठकर बातचीत करूंगी और यहां की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करूंगी। क्या कुछ प्राथमिकता होगी पहले आपकी? अरे यार, आज ही चार्ज किया है। पहले धनबाद के बारे में एक बार पूरी फील्ड में घूम के एक बार समझना चाहते हैं क्या क्या इश्यूज है, और फिर मेनली क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहते हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती अगर माने हम लोग तो आर्थिक राजधानी है, तो कोयले की चोरी जो है ये सबसे बड़ी चुनौती, इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? पहले समझने दो, सीखने दो, उसके बाद काम करेंगे। सुने होंगे कि कोल माफिया वगैरह ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे, और ग्रामीण क्षेत्र खास करके आपके बंगवारा निरसा है, वहाँ ज़्यादा क्राइम है, तो किस तरह से निपटेंगे? पहले वही तो मैं बोला, पहले समझने और सीखने दो, उसके बाद हम बोला कोल माफियाओं को झारखंड में पूरा जाना जाता है मैडम, ये तो आप जानी होगी। आप धनबाद आने के बाद क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पर आपके द्वारा? पहले सब लोग के साथ एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद इश्यू समझेंगे, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैम कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं? इससे पहले हम रांची में CCR में पोस्टेड थी, और फिर ट्रैफिक के अतिरिक्त प्रभार ट्रैफिक स्टेशन।